वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सर्जा और रश्मिका मंदाना स्टारर पोगारू 19 फरवरी को भव्य पैमाने पर रिलीज हुई थी, लेकिन अब फिल्म मूवी में ब्रह्मांड समुदाय को नीचा दिखाने के विवाद में फंस गई है। 48 घंटों में फिल्म से इन दृश्यों को हटाने के लिए सहमत हुए निर्देशक के साथ सोशल मीडिया में इस बारे में बहस चल रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले समझदारी से काम लेना चाहिए था। अब कन्नड़ पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी अभिनेता और निर्देशक प्रथम को वोले हुडुग्गा के रूप में जाना जाता है, जो नायक ध्रुव सर्जा के समर्थन में सामने आया है। यदि आपने ध्रुव सर्जा के किसी भी ट्वीट को सुना या तो आप देख सकते हैं कि यह जय आंजने या जय श्री राम में समाप्त होता है, कृपया इसके एक विचार दें। नंदकिशोर ने कहा कि अभिनेता को राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा सकता है, हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, कृपया इस प्रयास में ध्रुव सर्जा के प्रयास की सराहना करें। इस प्रकार प्रथम को कहा कि कोई भी हिंदू संस्कृति के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं करता। अभिनेता बनने से पहले मैं एक देशभक्त था, एक हिंदू, चाहे कोई ब्राह्मण हो या किसी जाति का हो, सभी मेरे हैं। अब निर्देशक गलती सुधारने के काम पर ध्रुव सर्जा भी भगवान हनुमान के एक भक्त हैं। फिल्म के मुख्य सारथी नंद किशोर ने माफी मांगी है। ध्रुव सर्जा को हिंदू या ब्राह्मणों के प्रति घृणा के पात्र के रूप में चित्रित करना बंद करें। इस प्रकार लोगों से प्रथम का अनुरोध किया। मैसूर और कर्नाटक के कई अन्य हिस्सों में लोगों ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद मूर्ति ने इस संबंध में एक प्रेस मीटिंग बुलाई थी। फिल्म नंद किशोर के निर्देशक पोगारू ने आश्वासन दिया है कि वह इस फिल्म के कुछ हिस्से काट देंगे। वैसे आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।